तरह के जो वॉल पैनल्स होते हैं पीछे की तरफ जो स्टोन के होते हैं, ये कैसे बनते हैं? तो ये क्या होता है कि ये आपके टेक्सचर्स होने चाहिए, या फिर इस तरह का आपके पास एक मॉडल हो, सिंपल एज सिंपल, या फिर ऐसा कोई स्टोन का मॉडल हो, एक तो ये हो सकता है, तो उस स्टोन के मॉडल को पीछे की तरफ डाल दो, या फिर ऐसा कोई टेक्सचर हो जिसको हम लोग बम कर सकें या डिस्प्लेस कर सकें, तो वैसे पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। मगर ये इस तरह के अगर आपको इनके टेक्सचर को यूज़ करना है, तो इमेज की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होनी, जैसे कि अभी ये है, इसका देखो साइज़ कितना है, काफ़ी अच्छा खासा है, 3K का साइज़ है, इसका साइज़ 3K का है, चलो इसको यूज़ करते हैं, काफ़ी अच्छा खासा साइज़ है, तो इनको यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं सेवेस कर लेता हूँ। आज का हमारा रहेगा पिक्चर्स के अंदर एक न्यू फोल्डर, न्यू फोल्डर नंबर 9, ठीक है, इसमें जाते हैं, उसमें सेव करते हैं, फिर हम लोग आ जाते हैं अपने 3DX Max में, ठीक है, एक बॉक्स बना लेते हैं। अभी इसकी जो हाइट होगी हमारी 10 फीट के आसपास, यानी कि कुछ कम तो नहीं कर दिया, 30,000 mm होना चाहिए शायद से, या 3,000 होना चाहिए, ठीक है। और इसको मैंने कर दिया 1,000, नहीं 1,000 भी कम है, 2,000 कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ही आपकी वॉल है, ओके, इसको मुझे करना है, इसके आजू बाजू भी कुछ पार्टीशन दे देते हैं ताकि समझेगा ना कि हाँ भाई, जैसे अभी इस जो इमेज के अंदर कैसे बना हुआ है, सेम वैसे कुछ ट्राई करते हैं। खुल जा सेम सेम, इस इमेज को तो मैंने सेव किया ही नहीं, सेव एस कर लेते हैं, हमारा पिक्चर्स नंबर 9 एंड सेव, ठीक है। अब ये रहा, इसको कर लेते हैं ओपन। अब इसमें देख सकते हैं साइड साइड में ऐसे थोड़ा सा पैनल्स हैं, तो इसको भी थोड़ा हम लोग उठा लेते हैं, एक पैनल्स बना लेते हैं। तो एक कोई मेज़र नहीं रख रहा हूँ, एक वॉल जैसे ऐसे कुछ कवर कर लिया मैंने, ठीक है। ओह वाह, मैंने तो इसकी हाइट दिया ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हाइट भी हो गई। अभी जो ये वाला पार्ट है, इसके अंदर वो स्टोन को हम लोग रखेंगे, ओके। तो उस स्टोन के जो इमेज है उसको मुझे इस पर अप्लाई करना, कैसे अप्लाई करें, टेक्सचर देना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्लिक करते हैं। पहले तो डिफ्यूज़ में जाके वेरिएबल मैप में गए, सिंपल सिंपल वे में पहले चलते हैं, इस जो टेक्सचर्स को मैंने कर लिया, इधर पे अप्लाई कर लिया, असाइन कर लिया, ठीक है। थोड़ा सा है इसमें वाटर मार्क आ रहा है, तो छोड़ो, ठीक है। तो अभी इसको, अभी ये तो चलो ऐसा दिख रहा है, ये तो क्या 3D है, तो है नहीं ना, ये तो इमेज हम लोग डाला है, इमेज अप्लाई कर रहे हैं इमेज। तो अभी इसके ऊपर क्या कर सकता है, एक ऑप्शन है कि हम लोग यहाँ पे सीधा सीधा जो टेक्सचर्स है, जो यही टेक्सचर है जो हम लोग अप्लाई किया है, उसी को सीधा सीधा अप्लाई कर लेते हैं, सीधा डाल देते हैं हम लोग डिस्प्लेस में, डिस्प्लेस की जगह पे यहाँ पर, ठीक है। इसको कॉपी किया, मैप में जाके डिस्प्लेस में सीधा डाल दो, और डिस्प्ले पूरा 100% कभी नहीं लेना है, कभी भी आपको मैक्सिमम 3 ही लेना, नहीं तो कुछ 10 से ज़्यादा ही हो जाएगा। एक बार चेक करते कि आखिर में इधर पे दिख कैसा रहा है, डिस्प्ले तो डाल दिया मैंने, अभी यहाँ पर आउटपुट ये तो रेंडर में दिखेगा जो भी है, यहाँ पर दिखने वाला नहीं है। तो एक लाइट डाल देते हैं, लाइट के लिए मैं क्या करता हूँ, कॉस्मोस बाजू में जाता हूँ, और एक डे व्यू ले लेते हैं हम लोग, ब्राउज़र से थोड़ा सा मैं यहाँ से एक डे का SGRI ले लेता हूँ, अप्लाई कर लिया। ओह सॉरी, मेरा शायद लॉग इन नहीं है, लॉग इन करना पड़ेगा, हो गया लॉग इन, ओके। अभी इसको एक बार असाइन करके देखते हैं कि कैसा ये दिखाई दे रहा है, क्या ये ऐसे ही दिख रहा है जैसे यहाँ पर है, चेक करता हूँ। ओह बहुत ज़्यादा ब्राइट अप है, लाइट बहुत ज़्यादा आ गई है,
है, मेरा भी कुछ इफेक्ट नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है सच्ची में। इफेक्ट्स तो आ ही नहीं रहे हैं, ना के बराबर है, इफेक्ट तो आ ही नहीं रहा है एकदम से। वैल्यू बढ़ा के देखते हैं इसको, मैं कर देता हूँ सीधा 50। देखो थोड़ा, देखो उठ के आया है कैसे दिख रहा है, एकदम ठीडी जैसा उठ के आया ना, पहले कैसा था, पहले था मेरा कुछ ऐसे हाई फ्लैट था, जैसे मैंने इसके अप्लाई किया साइन किया, अभी ये देखोगे यहाँ पर उठा हुआ दिखेगा, अभी जैसे थ्रीडी में पूरा बना हुआ है, कंप्लीट थ्रीडी में ऐसा लग रहा है, थ्रीडी में अप्लाई किया हुआ है, थ्रीडी ऑब्जेक्ट बनाया हमने यहाँ पर क्रिएट किया है, ऐसे फील हो रहा है, पर थ्रीडी ऑब्जेक्ट नहीं है, पूरा टेक्सचर्स है, सिर्फ टेक्सचर, सिर्फ टेक्सचर प्लेन है, मैंने बम्प में डाला यहाँ पर, मैं बहुत ज़्यादा दे दिया हूँ इसको, इतना ही देते हैं 30 रखते हैं, और फिर भी 30 में भी फिर भी ओके ओके सही है फाइन। तो अभी क्या है कि चलो ये तो चलो समझ में आ गया, अभी दिख रहा है जो भी है, अभी इसके अंदर जो हम लोग ये जो व्यू देख रहे थे यहाँ पर, ये वाला व्यू, इसके पीछे देखो लाइट दिया हुआ है, ऐसा लाइट का इफेक्ट आ रहा है, सामने प्लेन है, ऐसा कुछ करना है तो फिर पहले तो मैं इसको एक टेक्सचर दे देता हूँ, मटेरियल अप्लाई कर लेता हूँ, वुडन का पुल, ठीक है वुडन का आ गया। फिर अभी इसके ऊपर मैं एक, पहले तो एक प्लेन दे देते हैं सामने की तरफ, जैसे सपोज ये हमारा जो बेड का हो गया, बैकड्रॉप का कुशन टाइप कुछ है, ठीक है, इसके अंदर मैं कुछ मटेरियल अप्लाई कर देते हैं, कुछ फैब्रिक के, फैब्रिक 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 फैब्रिक, लेदर ना ना ना, फैब्रिक फैब्रिक ले लेते हैं, फैब्रिक का मैं डाल देता हूँ, इसको ही डाल देते हैं, और थोड़ा सा और भी एक्यूरेट करना है तो मैं यहाँ पर इसके अंदर सेगमेंट ऐड कर देता हूँ, डबल सेगमेंट्स आ गए, और यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं बीवन, टाइम पे मैं ठीक है, ये हमारा बन गया ऐसा कुछ, ओके। अब इसके पीछे मुझे लाइट देना है, लाइट का इफेक्ट देना है ऐसा कुछ, तो क्या करूँगा मैं, सिंपल सिंपल हम लोग ले लेंगे यहाँ पर एक प्लेन लाइट, कुछ इस, सॉरी प्लेन लाइट चाहिए भाई, एक बड़ा सा प्लेन लाइट दे दिया यहाँ पर कुछ इस तरह से। अभी इसको मैं देखूंगा, चेक करूंगा, तो हम लोग को ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा, अभी लाइट की वैल्यू नहीं है इस पे, तो इसलिए चमक रहा नहीं है, लाइट की वैल्यू बहुत ही ना के बराबर है, तो लाइट को इंक्रीज करेंगे, लाइट अभी कुछ 30 का वैल्यू है, तो इसको मैं 300 के आसपास, अरे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 150 कर लेते हैं अभी तो फिलहाल, 150
150 काफ़ी है, देखो थोड़ा सा चमक रहा है पीछे पीछे, थोड़ा और बढ़ा देते हैं, 300 ही करना पड़ेगा लगता है मुझे। लाइव कर लेता हूँ एंड इसको कर लेते हैं 300। पीछे की तरफ और भी ज़्यादा ब्राइट हो रहा है, और ब्राइट करना है तो मैं 500 कर लेता हूँ। तो पीछे तक ब्राइट हो रहा है अभी, क्या है कि डे व्यू आ रहा है इधर पे पूरा कंप्लीट, तो इसलिए इधर पे लाइट का इधर पे वैल्यू बहुत कम लग रहा है। अगर अंधेरा होता, अंधेरा कमरा होता तो इधर पे मुझे अच्छे से दिखता। अंधेरा कमरा कैसे करेंगे हम लोग? एक काम करता हूँ, एक बॉक्स बनाता हूँ, बॉक्स के अंदर आ गया, ठीक है। फिर एक ठीक है पॉली, लाइक विंडो भी रहता है ना भाई, विंडो तो चाहिए ही चाहिए अपने को। हाँ विंडो कैसे काम बनेगा? ठीक है विंडो भी आ गया हमारा, और यहाँ से मैंने जो कैमरा दिया था उस कैमरे पे आ जाता है, ठीक है कैमरे पे आ गए। और इसको कलर एक दे दिया वॉल को, एंड वॉल काफ़ी पतली है तो वॉल को थोड़ा दे देते थिकनेस सेल से, ठीक है। अब करते हैं रैंडम, अभी आप देखोगे, देखो इधर पे कितना लाइट आ रहा है इस एरिया पे, जैसे आपने स्टोन देखा था, जैसे उसके अंदर स्टोन था ये वैसे ही आ रहा है, ठीक है। अभी एक मैं लाइट ऊपर से दे देता हूँ लाइट अप होते हुए, क्योंकि इधर पे अंधेरा बहुत है, अंदर की तरफ अंधेरा बहुत ज़्यादा ही है। ठीक है कुछ ऐसे, ठीक देख सकते हो कैसा लुक आ रहा है। सेम वैसे ही आपको लाइट अप भी करना है, इधर स्टोन भी आ गया, स्टोन जैसा ही बन गया, पत्थर जैसा भी लुक आ गया, कंप्लीट सारी चीज़ें आपको वैसे ही नजर आएगी। आप ऐसे यूज़ कर सकते हो इसको, इस तरह का व्यू बनाने के लिए आपको, अगर इस तरह का व्यू बनाना है आपको ऐसे काम करना पड़ेगा। pixiv.com, यहाँ मिलते हैं आपको 3D मॉडल, सीन फाइल, टेक्सचर और ट्यूटोरियल्स। और भी जानने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाके आप विजिट कर सकते हो। इस तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हो आप लोग तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाजू के बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।